हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेजवान चटनी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं शेजवान चटनी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये बिल्कुल नए तरीके से है, आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। फिर मैंने इसमें मोटे मोटे कटे हुए अदरक के पीसेस और गार्लिक और टमाटोज डाल लिए हैं। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े 3 टमाटर लिए हुए थे जिसे मैंने चॉप करके डाल दिया है। अब मैं इसमें कुछ रेड चिलीज डाल दूँगी। ये खड़ी लाल मिर्च है सूखी हुई, फ्रेंड्स घर में अवेलेबल होती है, आप इसे डाल सकते हैं। अब मैं इसे पानी में बॉईल आने तक पका लूँगी। इसे हमें अच्छे से पानी में बॉईल करना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ये देखिए हमारी मिर्च बॉईल होकर तैयार है। अब मैं इसे एक जार में प्लेस कर लूँगी। ये देखिए आपको इसमें से छान करके इसमें से डाल लेना है और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार करके रख लेना है आपको। फिर आपको एक कढ़ाई लेनी है, फिर इसमें आपको थोड़ा सा ऑयल डालना है और मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और कुछ कटे हुए लहसुन की कलियाँ को मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब इसे अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए मैंने इसे भून लिया है। अब मैं अपनी ग्रेवी को इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसे इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा उबाल आने तक पका लूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है और मैं इसमें थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डालूंगी फॉर द चाइनीज टेस्ट। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल लूँगी। हम इसे एक अच्छा सा बॉईल आने तक पका लेंगे। ये देखिए हमारी शेजवान चटनी बनके तैयार है। ये इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो ये लीजिए हमारी शेजवान चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर आप लाइक शेयर